नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IAS Prep पर। ज्योग्राफी का टेस्ट नंबर 6 आज हम करने जा रहे हैं। टॉपिक पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि इसमें सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम लोग करेंगे। मैं ओम प्रकाश पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं। आज के टेस्ट का पहला सवाल है, भूमिगत जल से तात्पर्य है सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला जल, धरातल की निचली सतहों में भंडारित जल, समुद्र के नीचे से निकलने वाला जल, इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर टिक करें, सोच समझ कर आंसर दें, स्कोर शेयर करना है, निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग निकाल कर उसके बाद में आप अपना स्कोर शेयर करेंगे ईमानदारी के साथ। और इसका सही आंसर है बी, धरातल की निचली सतहों में भंडारित जल। आप जो भी जल ऊपर गंदा करते हैं, जो भी खर्च करते हैं वो, और जो बरसात होती है, सब कुछ रिस कर नीचे जाता है, चट्टानों के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से नीचे जाता है और नीचे जाकर वो स्टोर हो जाता है, उसी जल को क्या कहते हैं, धरातल जल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुमेलित है, लघु सिंचाई परियोजनाएं 2000 हेक्टेयर से कम, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं 2 से 10000 हेक्टेयर के मध्य, बड़ी सिंचाई परियोजनाएं 10000 हेक्टेयर से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो सिंचाई परियोजनाएं होती हैं उनका दायरा क्या होता है, कितने हज़ार हेक्टेयर तक वो होती हैं, है ना, उनको अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है, तो वही आपको बताना है। आप अपना आंसर टिक करें। और इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सब के सब सुमेलित हैं। लघु सिंचाई परियोजनाएं जो होती हैं वो 2000 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि के लिए जो चलाई जाती हैं उनको कहा जाता है, ऐसे ही मध्यम और बड़ी परियोजनाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में प्रयुक्त सिंचाई साधनों का योगदान के अनुसार सही अवरोही क्रम है, यानी कि सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर उससे कम, नलकूप, नहर, तालाब, फिर इसी के क्रम में पलट कर दिया है, ये तीन ही चीज़ हैं। आप इसको डिसेंडिंग आर्डर में सेट करें, फिर अपना आंसर टिक करें। और इसका सही आंसर है ए, नलकूप, नहर, तालाब। सबसे ज़्यादा जो सिंचाई भारत में होती है वो नलकूपों और कुओं के माध्यम से होती है, लगभग 60% से ज़्यादा है, 62.5% है, 61.58%। नलकूप के बाद में नहरों के द्वारा लगभग 25% सिंचाई होती है, मोटा मोटी आप ध्यान रखिए 25%, और उसके बाद में तालाबों की बात आती है, तालाबों के द्वारा लगभग 3% सिंचाई भारत में होती है, तो आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा है, सर्वाधिक संख्या में नलकूप उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, पहला स्टेटमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट है नहरों का सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश में है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है, या पहला सही है या दूसरा सही है। आप अपना आंसर ईमानदारी के साथ टिक करें। जहां तक पहले स्टेटमेंट की बात है कि सर्वाधिक संख्या में नलकूप उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और दूसरा स्टेटमेंट नहरों का सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा सी, और का सी, बहुत सही से इसको तैयार करिए। ड्रिप सिंचाई पद्धति का क्या लाभ है, आइए इसमें पूछा हुआ प्रश्न, खरपतवार में कमी होती है, मृदा लवणता में कमी होती है, मृदा अपरदन में कमी होती है, विकल्प छांटिए, बताइए क्या होता है ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई तो आप जानते ही होंगे किसे कहते हैं, उससे लाभ आप बताइए। इसका सही आंसर है सी, पहला और तीसरा, ड्रिप सिंचाई से खरपतवार में कमी होती है। कैसे होती है, ड्रिप सिंचाई से जितना जल जरूरी होता है उतना ही जल पौधों को मिलता है, इधर उधर जल नहीं होगा, तो जब इधर उधर जल नहीं होगा तो वो खरपतवार के वृद्धि में सहायक नहीं होगा। लवणता की जहां तक बात है ये गलत है, ऐसा नहीं है। मृदा अपरदन में कमी होती है, वैसे अगर तेज़ प्रवाह होता है जल का तो मृदा कटती है, लेकिन ड्रिप सिंचाई में बहुत बूंदे बूंद टपकती हैं तो कुछ नहीं होता है, तो पहला और तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अशुमेलित युग्म की आपको पहचान करना है, एडन नहर, दामोदर नदी, सरहिंद नहर, सतलुज नदी, और फिर ये है आगरा नहर, रामगंगा नदी, और डी है त्रिवेणी नहर, गंडक नदी। फिर से आप देख लीजिए कौन सा अशुमेलित है ये बताना है, ये देखिए फिर आधा प्रश्न इधर है, आगरा नहर रामगंगा नदी पर नहीं है, यही गलत है, यही सही हो जाएगा आंसर, कहने मतलब अशुमेलित पूछ रहा है ना, आगरा नहर यमुना, आगरा नहर जो है वो यमुना नदी पर है, सही है,
ठीक है ना, तो इसलिए यह आंसर गलत है। जाबो, खादिन, टंका, दीघी, ये सारी क्या हैं? सातवां प्रश्न, पारंपरिक आदिवासी त्यौहार, पारंपरिक मापतौल की इकाइयां, पारंपरिक जल संरक्षण विधियां, इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर टिक करें। यहां पर तो ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपको बड़ा आसान लगेगा, क्योंकि मैं जानता हूं जरा सा भी अगर आप होशियारी दिखाएंगे तो आप कहेंगे सिंचाई की बात चल रही है, आंसर हो जाएगा सी, पारंपरिक जल संरक्षण विधियां। लेकिन जब ये प्रश्न अलग ऐसे पूरे प्रश्न पत्र में दिया रहता है तो आप बड़ा कंफ्यूज होंगे। याद रखिए, ऐसे और बहुत सारी चीज़ें हैं जहां से भी आपने पढ़ा है उसमें से रिवाइज कर लीजिए। देखिए, मटेरियल हर जगह वही होता है, अलग अलग तरीकों से छापा जाता है। अच्छी बुक, कोई टेक्स्ट बुक उठाइए, बहुत मोटी हो जाती तो दिक्कत हो जाती है। जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ RC तिवारी जी की बुक, ठीक है ना। अब उस बुक में दिक्कत यह है कि बहुत मोटी बुक है। अब मोटी बुक होने के कारण आप GS के लिए उसको करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप ज्योग्राफी ही पढ़ते रह जाएंगे। जो भी आप फॉलो करें वहाँ से रिवाइज जरूर करते रहें। तो 7 का आंसर सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है या है? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट है जल प्रबंध से संबंधित सिंचाई सॉरी हरियाली योजना 2003 में शुरू की गई। दोनों में से बताना है कौन सा सही है। आप अपना आंसर टिक करिए। और पहला स्टेटमेंट सही है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-1997 में स्टार्ट किया गया था। हरियाली योजना के संबंध में एक प्रश्न पूछा गया कि हरियाली योजना किससे संबंधित है। देखिए, मैंने इसमें ऐसा कर दिया है कि आपका ये भी फैक्ट तैयार हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा जल प्रबंध। और ये शुरू कब की गई थी, एक फैक्ट और आप तैयार कर लीजिए, 2003। एक क्वेश्चन से आप चार क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, छोटे छोटे वाले वन लाइनर। दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा सी, 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई तालाबों द्वारा होती है, पूछा गया प्रश्न है ये। आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, किस स्टेट में सर्वाधिक सिंचाई तालाबों के द्वारा की जाती है, आपको बताना है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, प्रश्न हो जाएगा। आंसर इसका सही है डी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 10, सिंचाई की फर्टिगेशन विधि से क्या तात्पर्य है? जल के साथ उर्वरकों का मिश्रण करके की जाने वाली सिंचाई, प्राकृतिक वर्षा की भांति की जाने वाली सिंचाई, बूंद बूंद टपकाकर की जाने वाली सिंचाई, उपर्युक्त सभी। बताइए, क्या ये सारी फर्टिगेशन विधि के अंतर्गत आती हैं सारी पद्धतियाँ, या फिर इनमें से कोई एक है? आप आंसर अपना टिक करें। सिंचाई की फर्टिगेशन, शब्द पे ध्यान दीजिए, फर्टिलाइजर होता है ना, उससे फर्टिगेशन, ए आंसर हो जाएगा। जल के साथ उर्वरकों का मिश्रण करके की जाने वाली जो सिंचाई होती है वही हो जाएगी, ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजनाओं और उनसे संबंधित राज्यों का अशुमेलित युग्म बताइए। चार दी हुई हैं, इनमें से तीन तो सुमेलित हैं, एक कोई अशुमेलित है, वो आपको पहचानना है। तुलबुल परियोजना हिमाचल प्रदेश, पोचमपाद परियोजना तेलंगाना, सबरीगिरी परियोजना केरल, चुटक परियोजना जम्मू और कश्मीर, बताइए कौन सी अशुमेलित है। बहुत सावधानी से ये प्रश्न कीजिएगा, सरल प्रश्न गलत ज़्यादा होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका सही आंसर है 11 का ए, तुलबुल परियोजना हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तुलबुल परियोजना कहाँ है, कुछ लोग कमेंट करके बताते हैं, तबीयत खुश हो जाती है। कुछ लोग तो बस अपना काम निकाल के धीरे से निकलते हैं, कहीं उनकी बात कोई दूसरा ना जान जाए, उसके भी क्वेश्चन कहीं ज़्यादा नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप लोग जितना ज़्यादा दूसरों की मदद करेंगे, ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। मेरे पास तो जितने सीक्रेट होते हैं, कैसे कैसे क्या करना है, सब सीक्रेट मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है, करिए फाइट। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुमेलित है? तीन युग्म इसमें सुमेलित है, एक अशुमेलित है, वही आपको पहचानना है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी, मेट्योर परियोजना कृष्णा नदी, हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी, और एक है दुलहस्ती परियोजना चेनाब। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए आप, बताइए इनमें से कौन सा अशुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, आप देखना चाहिए डी विकल्प, फिर देख लीजिए, दुलहस्ती चेनाब दिया हुआ है। और यहां पर ये 12 का आंसर है, मेट्टूर परियोजना कृष्णा नदी पे नहीं है, ये कावेरी नदी पे है, ठीक है ना। मैंने सोचा था आपसे पूछूंगा, देखिए मैं बता ही दिया, कभी कभी मुंह से निकल जाता है तब याद आता है कि पूछना है। क्वेश्चन नंबर 13, कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य नहीं है, तीन राज्य इसमें संबंधित हैं, एक कोई ऐसा राज्य है जो नहीं है, आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, कौन सा राज्य कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित नहीं है, बताइए।
और इसका सही आंसर है, पहले आप टिक कर लीजिए अपना, तब मैं बताऊंगा। आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, और इसके साथ में एक स्टेट और है, महाराष्ट्र भी इसमें होता है ना। महाराष्ट्र होता क्या मतलब है, महाराष्ट्र भी है, तमिलनाडु इसमें नहीं है। कृष्णा नदी जो जल विवाद है उसमें महाराष्ट्र नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से असत्य कथनों की पहचान कीजिए। असत्य की करना है, प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना की अवधि 5 वर्षों के लिए निर्धारित की गई है, इसके अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। दोनों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए अपना, देखिए स्टेटमेंट कौन सा सही है, फिर उसके मुताबिक आंसर टिक करिए। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट आप बताइए ये भी सही है। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, असत्य कथन, आंसर हो जाएगा डी। दोनों सही है तो कोई भी नहीं असत्य होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, मुल्ला पेरियार बांध की ऊंचाई को लेकर विवाद है। दो राज्य हैं जिनमें विवाद है, तीन राज्य हैं जिनमें विवाद है, जो भी है इसमें विकल्प दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या है, वो तो अभी पता चलेगा। कर्नाटक तमिलनाडु के मध्य, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के मध्य, तमिलनाडु केरल के मध्य, तमिलनाडु कर्नाटक केरल के मध्य। 15वें प्रश्न का उत्तर आप दें, किनके किनके मध्य विवाद है। आप अपना आंसर टिक कर चुके होंगे और इसका सही आंसर है तमिलनाडु और केरल के मध्य, ठीक है ना। सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं को लेकर विवाद है, किसको, मुल्ला पेरियार बांध की ऊंचाई को लेकर इन दोनों में विवाद है। क्वेश्चन नंबर 16, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, ठीक है, पूछा हुआ प्रश्न है, यूपी स्पेशल में अब है, आप इसको शामिल कर सकते हैं। कहाँ पर है, हरिद्वार में, नरौरा में, बरेली में, कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए, बहुत सरल प्रश्न है, बहुत कम समय में आपको इसका आंसर देना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, और इसका सही आंसर है नरौरा में। निचली गंगा नहर गंगा से निकाली जाती है, कहाँ से निकाली जाती है, नरौरा नामक स्थान से, वहीं से उद्गम होता है, ठीक है ना। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17, पेयजल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होने से हो सकता है। आर्सेनिक बहुत बड़ी समस्या है आजकल, जो हम जल पी रहे हैं हर जगह देखिए, अब बॉटल बिकने लगे हैं, 20-20 लीटर के बॉटल अब गाँवों तक पहुँच रहे हैं। एक समय होता था जब कहा जाता था कि क्या पानी भी मोल बिकता है, पानी भी खरीदना मतलब बिकता है, पानी ही तो आज सबसे बड़ी समस्या है, पानी ही तो बिकता है सबसे ज़्यादा। तो आर्सेनिक उसमें होते हैं, आर्सेनिक के कारण क्या हो सकता है, कैंसर, लीवर फाइब्रोसिस, उपरोक्त दोनों या कोई भी नहीं, आपको बताना है। जब जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होती है तो सही आंसर टिक करिए, और इसका सही आंसर है कैंसर और लीवर फाइब्रोसिस, दोनों दोनों हो सकता है ना। हाइपर पिगमेंटेशन भी हो जाता है, और भी बहुत सारी व्याधियाँ हो जाती हैं, बुद्धि कमज़ोर होती है, कई लोग कहते हैं, कई रिपोर्ट ऐसी आई हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि अच्छा जल पिए, पीजिए, मतलब पिलाइए भी पीजिए भी, क्योंकि अब समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। आर ओ वगैरह का इस्तेमाल करिए, उसके भी कुछ अपने इफेक्ट हैं, लेकिन अब क्या उपाय है, जो सबसे बेहतर होगा वही करेंगे। भाखड़ा नागल परियोजना के संदर्भ में सही है या है, मतलब कौन से स्टेटमेंट दो दिए हुए हैं, यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है जो ब्यास नदी पर स्थित है। पहला स्टेटमेंट सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, ध्यान करिए है कि नहीं है। और विश्व का सर्वाधिक ऊंचा गुरुत्वीय बांध इसी पर स्थित है, प्रश्न अलग से भी पूछा जाता है तो उसके लिए ये स्टेटमेंट आप कर सकते हैं। आंसर विकल्प वही है, दोनों सही है कि केवल एक सही है, क्या है, और इसका सही आंसर है बी। बी कैसे, ये ब्यास नदी पर स्थित नहीं है, ये सतलुज नदी पर स्थित है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका आधा सही है, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है लेकिन ब्यास पर नहीं है, सतलुज पे है। देखिए 4-5 फैक्ट इसमें तैयार हो रहे हैं, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना पहला फैक्ट, दूसरा सतलुज पे है, दूसरा फैक्ट विश्व का सर्वाधिक ऊंचा गुरुत्वीय बांध इसी पर है, ये तीसरा फैक्ट, ठीक है ना। तीन फैक्ट तैयार हो रहे हैं, अब बताइए ये है कहाँ, कौन कौन से राज्य से संबंधित हैं या लाभान्वित होते हैं, कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चार राज्य इसमें तीन विकल्पों में दिए हुए हैं, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान की, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश की, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की। आपको टिक करना है सही आंसर कि किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, या अगर इनमें से कोई विकल्प ना सही हो, यानी कि कोई भी एक राज्य अगर नहीं सही होगा किसी विकल्प में तो आंसर गलत हो जाएगा,
तो डी आंसर भी आपके पास, डी विकल्प भी मौजूद है। बताइए, और इसका सही आंसर है ए, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये चर्चा में रहती है इसलिए ये पूछी जा सकती है। सरदार सरोवर परियोजना के बारे में सबसे बड़ी बात है कि इसमें मतलब आप लोग थोड़ा सा देखिए, एक काम किया करिए, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप करेंट अफेयर में कुछ पढ़ें तो करेंट अफेयर में पढ़ने के बाद में आप उसको क्या करें कि तुरंत ट्रेडिशनल पे जाएं और वहाँ पे जो भी जानकारी आपको मिल रही है उसको इससे रिलेट करें, करेंट अफेयर से रिलेट करें। अगर उससे आप ये रिलेट कर लेते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा, आपका जीएस करंट के जरिए तैयार हो जाएगा। सरोवर परियोजना के संबंध में एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका दुष्प्रभाव किस राज्य में सबसे ज़्यादा पड़ा, तो मध्य प्रदेश में वहाँ पे सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ा। क्या होता है, बहुत सारा सामना करना पड़ता है वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों को, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, प्रवसन होते हैं, और सर्वाधिक लाभान्वित राज्य अगर पूछा जाए तो वो गुजरात रहा है, ठीक है ना। और इस पे जो ये नर्मदा घाटी परियोजना है उसके अंतर्गत सरदार सरोवर बांध, और ये सरदार सरोवर बांध गुजरात में है और साथ में नर्मदा सागर बांध मध्य प्रदेश में है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? आज का अंतिम प्रश्न, महात्मा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने? बताइए, पूछा हुआ प्रश्न है मेरे ख्याल से, पूछा गया मेरे ख्याल से, क्या पूछा गया है, 4-5 प्रश्न मैं पुराने इसलिए डालता हूँ कि वो पद्धति हम लोग अच्छे प्रश्न होते हैं अपना सकें। इसका सही आंसर आप दीजिए, और सही आंसर है बताइए जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि आधुनिक भारत के मंदिर हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। आपका स्कोर अगर 15 से ऊपर आता है बहुत अच्छा है, 15 तक आता है ठीक है, 15 से नीचे आता है थोड़ा सा चिंता की बात है, 12 से नीचे आता है बहुत ज़्यादा मेहनत करिए इन टॉपिक्स पे। अलग अलग टॉपिक्स का टेस्ट लेने का मतलब यही है कि जहाँ पे कमजोरी हो पता चल जाएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले टेस्ट के लिए। अगले टेस्ट का जो टॉपिक होगा उसमें हम कवर करेंगे एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर कवर कर लेते हैं, उसमें एग्रीकल्चर में मतलब पशुपालन भी रहेगा साथ में, और उसके बाद में फिर हम आगे चलेंगे। ये जब समाप्त होगा, समय जब बचेगा, तब हम लोग विश्व भूगोल का भी टेस्ट करेंगे। अच्छे से पढ़िए, जल्दी सेलेक्ट होइए। ऑल द बेस्ट।